वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। देखिए, इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक कन्फ्यूज़न होता है ट्रेडर को कि उसे कमोडिटी में ट्रेड करनी चाहिए या फिर इक्विटी में। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, आइदर कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, जिंक, लेड, कॉपर, क्या इसमें ट्रेड करने चाहिए, या फिर इक्विटी जो आप जान रहे हो, इक्विटी में जैसे कैश की ट्रेडिंग है, और सेकंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो फॉर ए बिगनर या फिर किसी को भी जो जिसने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की है, उसे किस में पहले ट्रेड करना चाहिए वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और एक रियल एग्जांपल, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी उनके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, और ये इसे काफ़ी ज़्यादा आपको समझने, एक रियल एग्जांपल है तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझने को मिलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं या फिर आप सीख रहे हो, तो आप क्या हो, आप एक स्टूडेंट हो, नंबर वन। नंबर टू, आप अभी एक जॉब कर रहे हो और जॉब कर रहे हो और एक अदर सेकेंड अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो कि मुझे कहीं से अदर सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, ठीक है, दो तरह के लोग हुए। थर्ड कि ठीक है, आप एक एक लेटर स्टेज में हो 40-45 की, हाँ मुझे सीखनी है, लेकिन अल्टीमेट एम के क्या है। तीनों लोगों का जो अल्टीमेट एम है कि प्रॉफिटेबल होना और इससे पैसा कमाना। लेकिन क्या है कि हर एक ट्रेडर की जो जर्नी होती है वो अलग होती है। एक वो ट्रेडर है जो स्टूडेंट है, जो एक अपने डीमेट अकाउंट में पैसे डाल रहा है, तो वो डाल रहा है अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, उनसे लेके पैसा उसमें डाल रहा है और वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सेकंड, आप जब अगर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो आप अपने मंथली जो आपके एक्सपेंसेस है वो मीट करने के बाद जो सेविंग्स है उसको आप अपने डीमैट अकाउंट में डालते हो और ट्रेड करते हो, ठीक है। थर्ड कैटेगरी वो है कि जो एक बिजनेसमैन है जिसे पैसे नहीं, उसे एक स्किल चाहिए, और उसे पैसे लूज कर रहे हो या गेन कर रहे हो, डेट इज़ द सेकेंड मैटर, लेकिन उसके ऊपर कुछ कंपल्सन नहीं है कि उसे इस मंथ में इतना कमाना ही है, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है ना, वो दो दो लोगों के पास होते हैं। एक वो जिसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मतलब थर्ड थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया, जो एक बिजनेसमैन है उसे पैसे हर महीने नहीं चाहिए, वो एक स्किल सीखना चाहता है। एक वो सक्सेसफुल होता है सबसे पहले, उसके बाद जो सक्सेसफुल होता है वो जो बिगनर है, स्टूडेंट है, वो अपने पैसे पर नहीं कर रहा है, उसके लेवलीहुड के लिए जो पैसे चाहिए वो उसके घर से मिल रहे हैं, उसे कोई कुछ ना इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है ना ही कुछ और चीज़ें देनी है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि जो थर्ड और फर्स्ट कैटेगरी हैं वो थोड़ी आसानी से सीखते हैं। जो सेकेंड कैटेगरी में लोग हैं, जिन्होंने जिनके जिनका अपना अगर जॉब कर भी रहे हों, हार्डली दे आर मीटिंग देयर एक्सपेंसेस, ठीक है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल। और सबसे मुश्किल तो उसके लिए है जो अभी जिसने जिसकी जॉब छूट गई हो या जिसने फुल टाइम ट्रेडिंग डिसीजन लिया हो और उसकी जॉब नहीं है, फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन अब वो ट्रेडिंग सीखना चाहता है। इन्हीं सारी चीज़ों में कि किस तरह से वो एक डिसीजन पे जो स्टूडेंट है वो पहुँचे और उन्होंने किस तरह से एक रास्ता निकाला कि कौन सी ट्रेडिंग बेहतरीन है, और ये शायद आपको भी हेल्प करे क्योंकि एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। अब देखिए, अब कैटेगरी उस कैटेगरी के लेते हैं जिसे क्या है कि फैमिली को रन करना है, एक्सपेंसेस नहीं है, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है, 24 आवर्स वो कर रहे हैं, उनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब देखिए, एज ए बिगनर प्रॉब्लम कहाँ होती है, सबसे पहले किसी के पास कैपिटल होना चाहिए। देखिए, मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में, तो देखिए, अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हो, आप अगर कैश में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप करते हो तो मिनिमम आपको 4-5 लाख रुपी का डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और आप उसमें एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप अगर MCX में करते हो तो उसमें भी 2-3 लाख, मतलब फ्यूचर्स वही हो गए, 3-5 लाख रुपए में होने चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, अब मिनी कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया है,
कमोडिटी का, तो उसमें भी ट्रेड किया जा सकता है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले कमोडिटी जो टाइटल है हम लोगों का, कि कमोडिटी और कैश में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये आप एग्जांपल देखिए, ये एक चार्ट है क्रूड ऑयल का। अब इसमें मूवमेंट देखिए किस तरह से, मूवमेंट क्या है कि आप कहीं से भी इसको अगर आप ट्रैक करने की कोशिश करो तो देखिए सेलिंग आ रही है तो सेलिंग आ रही है, अगर इस लेवल से फिर से बाइंग आती है तो मूवमेंट होती है, ठीक है, ये मूव आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट हुआ, जब सेलिंग आई तो सेलिंग आई। तो कहने का क्या मतलब है कि कमोडिटी में इरेटिक मूवमेंट नहीं होती है। जैसे स्टॉक्स में अगर आप देखोगे इस तरह से मार्केट आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद इस तरह की मूवमेंट होती है। अब जैसे ही इस लेवल पर मार्केट आएगा ना, यहाँ पर ये ब्रेकआउट जब दिखेगा तो यहाँ पर अचानक से स्पाइक्स आ जाते हैं, और इतनी बड़ी स्पाइक्स मतलब रिटेलर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और मूवमेंट काफ़ी स्पीड में हो जाती है। अब ये चीज़ कमोडिटी के साथ नहीं है, कमोडिटी में अगर आप देखोगे किसी लेवल पर तो मूवमेंट किस तरह से होती है, जब अगर मार्केट सेलिंग का देखो चल रहा है और आप देखोगे कि मार्केट में सेलिंग हुई, अगर यहाँ से मूवमेंट हुई तो मार्केट एक एक डायरेक्शनल जाता है। यहाँ पर क्या है ना कि देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन जब ज़्यादा होता है ना तो छोटे छोटे टारगेट्स हो जाते हैं, इस लेवल पर आप एंट्री करो, यहाँ पर वो निकलना चाहते हैं, तो मूवमेंट जिगजैग होता है। ऑल्दो मार्केट परफॉर्म करता है क्योंकि देखिए टाइम भी लिमिटेड होते हैं, आप देखिए 9:15 टू 3:15 तक मार्केट में क्लोजिंग होनी है, तो इसलिए क्या है कि स्पाइक्स ज़्यादा क्रिएट होती है। ऑल्दो प्राइस एक्शन और बाकी चीज़ें उसमें दिखती हैं, लेकिन कमोडिटी में क्या है ना कि एक मूवमेंट होती है तो उनको पता है कि एक एक कहाँ पर उन्हें, अगर आप बाई कर रहे हो तो सस्ते से सस्ता आप बाई करो, अगर आप सेल कर रहे हो तो महंगे से महंगा आप सेल करो। तो इस तरह की चीज़ें कमोडिटी में ज़्यादा है, एक प्रॉपर लेवल से रिस्पॉन्स होना, उस तरह से मूवमेंट होना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आप एक बाज़ार का जो फ्लो है ना वो आपको दिखेगा, जैसे आप किसी सेटअप्स किसी भी तरीके से आप काम करते हो, जैसे मान लो कि सेलिंग आई, हम लोग इस सेल ट्रेड में एंटर लेते हैं, इस सेल ट्रेड में एंट्री लेते हैं, तो आपके पास समय पूरा होता है। आप जब एंट्री लेते हो तो सुबह से उसको राइड कर सकते हो, प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, लेकिन स्टॉक के केस में हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है। ये तो हो गया डिफरेंस। अब देखिए रियल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, मैं वो भी बताता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट है हमारे, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने क्या किया है कि उनके पास पहले एक सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है, और उनके पास एक फैमिली तीन लोगों की है, और एक डॉटर है एक वाइफ है, ये दोनों लोग इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, सिंगल पर्सन और तीन लोगों की फैमिली है। अभी जब सोर्स ऑफ इनकम था ऑलमोस्ट कोरोना से पहले, काफ़ी लोग कोरोना में एंटर किए हैं मार्केट में, कोरोना से पहले उनके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था। तो अब इनकी बात करूं तो इन्होंने जो कोर्स इन्होंने लिया 2020 में, ठीक है, 2020 के अगस्त में, 6 मंथ का कोर्स था, तो 2020 के दिसंबर जनवरी तक इनका कोर्स चला, ठीक है, उसके बाद कुछ डाउट सेशन एक आध महीने जो पेपर ट्रेडिंग है वो हुई। अब आप देखो कि 2021 के दिसंबर तक इन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन इस समय क्या हो रहा था ना कि इनका सोर्स ऑफ इनकम जो था वो 2020 से पहले अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम था, जैसे मैंने बताया आपको, और इससे पहले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 21 से दिसंबर तक भी इनके पास थोड़ा सा मतलब एक ड्रॉडाउन हुआ, लेकिन कुछ सोर्स ऑफ इनकम था, तब भी इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और इस समय इन्होंने सीखा, लेकिन सारी चीज़ों को रूल के तरह वो ले रहे थे, ठीक है, एक रूल बेस्ड अप्रोच कर रहे थे। कि जैसे मान लीजिए चार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चार्ट में ये सोचते हैं कि ठीक है मुझे कोई ऐसा सेटअप मिल जाए, किस लेवल पर यहाँ पर मुझे बाइंग करने का, ये कुछ सिग्नल दे यहाँ पर मैं बाई कर दूँ, यहाँ के टारगेट्स मिल जाए, जो भी पढ़ाया जाए उसमें स्ट्रक्चर्स को ढूंढने की आदत थी, इंटरप्रिटेशन डेवलप नहीं हुआ था, इंट्यूशन डेवलप नहीं हुआ था। अब 21 से अगर आप देखो तो दिसंबर हो गया, इनका कंप्लीटली इनकम जीरो हो गया 2022 के अप्रैल में,
मार्च में आपका होगा, ठीक है। इनका जो इनकम है 2022 के मार्च में इनका इनकम बंद हो गया। अब इनके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप ऐसा कुछ और ट्रेड्स करो, सॉरी कुछ और आप जॉब ढूंढ लो, या फिर कुछ और आप बिजनेस करो, या फिर ट्रेडिंग करो। अब चैलेंजेस यहाँ से शुरू होते हैं 2022 मार्च। यहाँ इस लेवल के बाद उन्होंने ट्रेडिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, मेहनत किया, बार बार प्रैक्टिस किया, तो इसके बाद अब इस जगह पे वो पहुँचे कि वो ब्रेक इवन होने लगे, ठीक है। ब्रेक इवन का मतलब क्या है, आप कोई भी ट्रेड्स लेते हैं मंथ में आप ज़ीरो होना शुरू कर देते हैं। तो ये कब हुआ, 2022 से 2023 के मार्च तक, ठीक है। इस मार्च तक वो ब्रेक इवन पर पहुंच गए कि ठीक है अब जो है लॉस नहीं हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, कोई सेटअप है, सेटअप पे काम करना सीखे, एक एनालिसिस करके, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, डिसिप्लिन वे में इमोशंस पे कंट्रोल करके इन्होंने सीखा, अब वो ब्रेक इवन पर पहुंच गए। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, अब आता है कैश कंपोनेंट। कैश में जब आप जाओगे तो उनके जो ट्रेड्स होते थे 100 शेयर से उन्होंने काम करना शुरू किया। अब 100 शेयर में क्या है कि 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो मूवमेंट कितने रुपीज़ का हो सकता है, एवरी डे 1:1 हो या फिर 1:2, मैक्सिमम 1:1 होता है, नहीं तो 1:2 के ट्रेड्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अब इनका क्या है कि 100 शेयर से करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपके पास पैसे नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो SL हिट होने का डर होता है। तो क्या होता है कि मूवमेंट 2 रुपये 3 रुपये की हुई, 300 रुपये आए प्रॉफिट को बुक, लेकिन आपको पता है ब्रोकरेज कितना लगेगा, 150। अब इस 150 से कुछ निकल ही नहीं रहा, इतने पैसे ही नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ब्रोकरेज ही हाई हो जा रहा है। आप देख रहे हो 100 शेयर का मतलब क्या हुआ, 100 शेयर से आप सेलिंग या बाइंग करते हो तो इसका मतलब आपको 1000 रुपये का स्टॉक है तो कम से कम 30,000 रुपीज़ 40,000 रुपीज़ चाहिए। तो अब कैपिटल आपका 40 के है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, इमोशंस आपके आ रहे हैं, लॉस होने का डर है, तो आपको क्या मिल रहा है इसमें। उनको ये चीज़ होती थी कि उनके साथ कि प्रॉफिट्स या तो 100 नहीं तो 200, तो आप अगर 4 दिन भी प्रॉफिटेबल हो तो 2000, और क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, ठीक है। ऑल्दो ये ख़राब नहीं है, 1:1 का अगर आप 0 से ऊपर हो तो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी। तो सेकेंड अब ये आता है कि अब इन्होंने क्या किया कि सोचा कि मैं ऑप्शंस करता हूँ। जब वो ऑप्शंस पे गए, 6,000-7,000 का ऑप्शन है, अगर किसी दिन होल्ड कर लिया, मार्केट में स्लो मूवमेंट आई इस तरह से मार्केट, फिर यहाँ आ गया, तो ऑप्शन उन्होंने ये मान लो कि यहाँ पर लिया। वैसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप ऑप्शंस पे करो, ऑप्शंस पे हमेशा तब करना चाहिए जब स्टिमुलस हो। तो इन्होंने यहाँ पर लिया, चलो उस दिन नहीं, अगर होल्ड किया मार्केट यहाँ आ गया, लेकिन ऑप्शंस की प्राइस को अगर देखोगे तो मार्केट जैसे यहाँ इस एंट्री के पास हो आप, लेकिन आप यहाँ एंट्री है, ऑप्शन के प्राइसेस यहाँ, तो अल्टीमेटली लॉस। तो फाइनली उन्होंने जो वो रास्ता निकाला वो है कमोडिटी, कमोडिटी के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, उस पर वो आए। और एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आप देखो अभी कॉपर को छोड़ के नेचुरल गैस में, आप देखो क्रूड ऑयल में, सभी में, जिंक में, लेड में, ठीक है, सिल्वर माइक्रो तो है, गोल्ड मिनी, ये सारी चीज़ों में। इसमें क्या है कि उन्होंने जब इसमें शुरू किया तब जाके वो एक पैसा उनको दिखना शुरू हुआ। जैसे उनका उनकी ज़रूरत, मैंने पूछा कि क्या है आपकी, तो वो कहे कि एक्सपेंस मीट करना। तो देखिए जब एक्सपेंस मीट करने के लिए आप ट्रेड करते हैं ना, तो कंपल्सन हो जाता है, जहाँ कंपल्सन है वहाँ आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसके बाद इन्होंने ये किया कि ठीक है 1 वीक में मैं ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि 1000 रुपये निकालूँ। तो अब वो ट्रेड करते हैं, सपोज़ वो क्रूड में ट्रेड करते हैं, 250 का उनका SL होता है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट या तो 300-400 नहीं तो 500, 1:1 नहीं तो 1:2, इसके ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड लेते हैं। तो अब जाके अगर पैसा बनता है ना, तो इसमें कितना ब्रोकरेज कितना जाएगा, आप देखो 500 है तो ऑलमोस्ट 60-70 रुपीज़, ठीक है, फिर भी आपको 300-400 रुपये एक दिन में बन रहे हैं। तो हफ्ते में अगर 4 ट्रेड सही होते तो ऑलमोस्ट 1000 आप बना लेते हो। और आपका इसमें एक जो ट्रेड करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ऑलमोस्ट 30K और 20K,
इसी के आसपास। तो 30-20,000 में एक महीने में अगर आप 4,000 रुपये कमा ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 10% है ये, ऑलमोस्ट 10%। तो इस तरीके से मैं आपको बस इस एक लंबी सी स्टोरी का जो मैं आपको एक कंक्लूजन, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा अगर आप यहाँ तक इस चीज़ को सुन रहे हो तो। क्योंकि देखिए एक ट्रेडर की जर्नी इक्वली होती है और इसमें सिचुएशंस अलग होते हैं। एक ट्रेडर किसी एक लेवल पर है, अगर उसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसका जो एक ग्रोथ होगा इस तरीके से होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा ट्रेडर है जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो इस तरह के मूवमेंट वो दिखाएगा, ठीक है। इसे काफ़ी समय लगेगा ब्रेकआउट करने में, लेकिन एक बिगनर या फिर एक जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो उसकी ट्रेडिंग ऐसी होगी। आई होप इन चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आपको देखिए समझना ये होता है कि आपके लिए कौन सा जो ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंट है, वो ट्रेड करने लायक है। तो कैश और कमोडिटी दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि आप प्रॉपर मार्केट के फ्लो को कमोडिटी में देख सकते हो। इसलिए क्या है कि एक बिगनर को कमोडिटी से शुरू करना चाहिए और बाद में जब आपके पास पैसे हो जाए तो आप कैश पे। अब जब ये प्रॉफिटेबल है, इनका अब नेक्स्ट जो विज़न है कि अब इन्हें एक 5 लाख का टारगेट है इनका, कि जब वो 5 लाख कंप्लीट हो जाए तब वो फ्यूचर्स पे आएंगे और उनको पैसा इसी से बनाना है, ठीक है। तो यही चीज है, ये एक जनरलाइज्ड वीडियो था। इसमें एक क्या है कि एक सेंटिमेंट कैसा होता है एक ट्रेडर का, वो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। और अभी उनका एक सेशन ही हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ किया। अगर आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस सीखनी है, यू मे कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।